हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो खास होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं इस समय अपने पीछे पे हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपको मोबाइल से इंडियन आर्मी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी फ़िलअप की जा रही हैं इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए, उनको आपको कैसे फिलअप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आप, हम हैं इस समय इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन करके रखा हुआ है। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, अगर आप अपने मोबाइल से ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए ये जो थ्री डॉट्स हैं मोबाइल में भी आपके यहीं पर थ्री डॉट्स आएंगे। ये जो दोस्त थ्री डॉट है, यहाँ पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में आपको चले जाना है। तो क्रोम ब्राउजर में जाना है आपके लिए, उसके बाद में थ्री डॉट पर क्लिक करके अपने मोबाइल के लिए डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। उसके बाद में आपके लिए दोस्तों गूगल में सर्च करना है आपको www.joinindianarmy.nic.in, ठीक है, ये टाइप करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं खुलती है, कभी कभी क्या, ज्यादातर ये जो वेबसाइट है वो डायरेक्ट नहीं खुलती है। जैसे अभी खुल गई, ये क्या है, कैप्चा इमेज पूछती है। तो हम इनके लिए दोबारा से लॉग आउट कर देते हैं और हम आपके लिए दोबारा से बताएंगे, क्योंकि इसने वो कैप्चर जो इमेज थी वो हमसे पूछी नहीं। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे इमेज पूछेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम दोबारा से सर्च कर लेते हैं joinindianarmy.nic.in, ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसने फिर से हमसे कुछ नहीं मांगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए बिल्कुल तरीके से बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए बार बार ये हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो ज्वाइन इंडियन आर्मी या फिर लॉगिन किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लॉगिन पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों जो है वो वेबसाइट सीधे खुल रही है, तो कोई बात नहीं, आपसे केवल वो इमेज पूछता है, कैप्चा इमेज। तो कैप्चा इमेज जो है वो आप डाल देंगे, नंबर्स होते हैं करीब 8 अंक का नंबर होता है, उसको आप उस बॉक्स में फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आना है दोस्तों यहाँ पे JSU/OR एनरोलमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको आना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरी तरफ होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में उन युवाओं के लिए क्लिक करना है जिनके पास में पहले से यूजर नेम और पासवर्ड है। तो यूजर नेम और पासवर्ड कब होगा, जब आपने आज से पहले कभी भी किसी भी भर्ती में आर्मी के अप्लाई किया होगा, तो आपके पास में जो यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड होगा, आप उसको डाल के यहाँ से आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, आपने अभी तक इंडियन आर्मी में कोई भी वैकेंसी भर्ती नहीं देखी है, तो आपके लिए क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या है, ये पूरे के पूरे ध्यान से आप पढ़ लें, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आते ही आपके लिए क्लिक कर देना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद में कुछ ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ लेना है, और आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना जरूरी होता है,
तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है कि आपको भर्ती में जाने से पहले या फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट दिया गया है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपके लिए अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे स्टेट दिया गया है, तो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं राजस्थान को सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इसमें भर्ती है वो राजस्थान में निकली हुई है और उसके ऑनलाइन आवेदन भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद में ये बोल रहा है मेरे पास है, यानी कि आई हैव आधार कार्ड या फिर UIDAI एनरोलमेंट नंबर। तो आजकल सभी के पास में आधार कार्ड है, तो यहाँ पर टिक रहने देना है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट टिक होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। तो जैसे आधार कार्ड नंबर में आप डाल दीजिए, मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम पूछ रहा है ये, तो अभ्यर्थी का नाम भी यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, शिवा सिंह। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फादर ऑब्लिक गार्जियन नेम, तो फादर का नाम भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ पर पूछेगा दोस्तों आपसे मदर नेम। ठीक है, तो मदर नेम भी आपको यहाँ पर अपना डाल देना है, तो मैं यहाँ मदर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर है, आपको सेम टू सेम वही डालनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कैलेंडर खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मान लीजिए मैं जुलाई का हूँ तो जुलाई कर ली। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2001 और 10 तारीख, मतलब 10 जुलाई 2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखें ईमेल आईडी आप वही डालें जिसका आपको पासवर्ड पता हो, क्योंकि जो भी आगे का करेस्पोंडेंस होगा ओटीपी आएगा वो आपके ईमेल आईडी पर ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दें, जैसे मैं डाल देता हूँ। सेवा कंप्यूटर ट्यूटोरियल @gmail.com। ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर भी मैंने आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो टिक मार्क लगाना है आपको यहाँ पर चेक मार्क लगा के सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से एक बार आप चेक करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो आप बैक टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने सभी डिटेल्स पूरी दी हुई है ठीक से, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो खुल के यहाँ पर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ओटीपी सेंट ऑन योर मेल आईडी शिवा कंप्यूटर ट्यूटोरियल @gmail.com। यहाँ पर ओके कर देते हैं और उन्होंने जो मेल आईडी पे हमारे ओटीपी डाला है सेंड किया है उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमें ओटीपी इंटर करना है जो कि उन्होंने अभी अभी हमारी ईमेल आईडी पर भेजा है। तो यहां से देख लेते हैं हम अपना ओटीपी आया कि नहीं आया।
ये हमने अपने ईमेल में रजिस्टर इंटर कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर अभी ओटीपी हमारे पास में नहीं आया हुआ है, तो मैं अपने मोबाइल पे भी चेक करता हूँ कि हो सकता है मोबाइल की जो ईमेल है उस पे दिख रहा हो। तो दोस्तों जो एक ओटीपी है वो अभी तक नहीं आया है हमारे पास में, तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन जनरेट ओटीपी, ओटीपी को हम रिसेंड करा लेते हैं। दोबारा से इनसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास में ओटीपी नहीं आया है, आप हमारे पास में ओटीपी भेजिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमने अगेन आपके पास में ओटीपी सेंड कर दिया है। तो दोस्तों ओटीपी जो है वो अब आ चुका है, आप देख सकते हैं ज्वाइन वेरिफिकेशन कोड फॉर जेसीओ ऑब्लिक ओआर रजिस्ट्रेशन, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे सेवा सिंह ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन विद ज्वाइन इंडियन आर्मी इज 67785। ये ओटीपी जो होता है दोस्तों वो 20 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो जल्दी से आपको यहाँ पर क्या करना है कि ओटीपी के लिए फिलअप कर देना है 67785। तो ये हमारा ओटीपी 67785। एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, अगर ओटीपी नहीं आए तो उसको 2-3 बार सेंड करा लेना है। ठीक है, आप 3 बार तक ओटीपी के लिए अपने पास में मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर ओटीपी डलवा दिया है, यहाँ पे 67785 67785। उसके बाद में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने पहले डिटेल भरी थी वो पूरी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, जैसे मैंने ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ भर दिया था। यहाँ पर आपको जो आपका वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्थिति है दोस्तों वो आपके लिए क्या करना है, अनमैरिड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अनमैरिड करना जरूरी है क्योंकि आर्मी में क्या है कि मैरिड के लिए एप्लीकेशन फिलअप नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है अनमैरिड। उसके बाद में आपकी हाइट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी हाइट कितनी है, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर है तो मैं 173 सेलेक्ट कर ली। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही लिया गया है, आधार कार्ड, उसके बाद में आधार कार्ड नंबर, उसके बाद में दोस्तों राज्य राजस्थान कर रखा है, आप हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके स्टेट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पर खुल के सामने आ जाएंगी। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लेना है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इस समय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जोधपुर यारों में इस समय भर्ती निकली हुई है, तो जोधपुर मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में तहसील कोई सी भी डाल दिया, जैसे हमने चलो जोधपुर तहसील डाल देते हैं, चलो दूसरी डाल देते हैं, हमने ये फलौदी तहसील डाल दी। ठीक है, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों यू कैन ओनली सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील वंस, प्लीज इंश्योर यू हैव डोमिसाइल ऑफ सेलेक्शन मेड बाय यू। समझे, तो यहां पर आप क्या है दोस्तों, जो आप डिस्ट्रिक्ट तहसील और अपनी डिस्ट्रिक्ट तहसील और अपना स्टेट को केवल एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करिएगा क्योंकि आपके पास में चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं होगा, और आप जिस दिन भर्ती हो जाएंगे उस दिन आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका यूजर नेम हो गया शिवा कंप्यूटर ट्यूटोरियल, मतलब आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो आपका यूजर नेम हो गया। यहाँ पर अभी क्या करना है आपके लिए, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि जैसे आपके लिए याद रहे, तो मैं डाल देता हूं दोस्तों ABC@1234-5। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना। ये बोल रहा है दोस्तों @1 अपर केस @1 लोअर केस 1 नंबर और 1 स्पेशल करेक्टर, आपको जो पासवर्ड होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए डाल देते हैं, हम A कैपिटल कर देते हैं, B C स्मॉल कर देते हैं,
स्पेशल करेक्टर भी लगा देते हैं एट द रेट, और नंबर्स भी दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर से ए आपको यहाँ पर अपने जो है वो पासवर्ड कंफर्म करना है, BC@1234 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कैप्चा इमेज जो सामने दिख रहा है यहाँ पे इस बॉक्स में, ये वाली जो कैप्चा इमेज है उसको लिए आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये कैप्चा इमेज है 2339 1088, ठीक है, इसको आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल पे आ जाना है, तो एजुकेशन हाईएस्ट एजुकेशन आपके क्या है वो आपके लिए डाल देना है। जैसे मैं मैट्रिक पास ही डालूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए मैट्रिक से ही आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, ट्रेड्समैन का भी भर सकते हैं, या फिर आप क्लर्क का भी भर रहे हैं, किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पर जो भी एजुकेशन है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है अपीयरिंग या पास कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इस समय या फिर पास में, तो मैं पास पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये मेट्रिकुलेशन 10th बोर्ड का आपका जो है वो बोर्ड पूछ रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से किया हुआ है, तो CBSE, ICSE, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। तो मैंने जैसे स्टेट बोर्ड से किया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड कर दूंगा, अभी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे राजस्थान से किया था मैंने, तो यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये है दोस्तों जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर जो नंबर है वो भी डाल दिया है। उसके बाद में ये पूछ रहा है दोस्तों आर यू रजिस्टरिंग कैंडिडेट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों आपके लिए। यूट्यूब पे कितने भी चैनल हैं कोई भी आपके लिए बताने वाला नहीं है ये कि आर यू रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स में आपको नो या फिर यस पे किस पे टिक करना है, लेकिन इसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा। तो ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है उनके लिए जो आर्मी में पहले से ही सर्विस कर रहे हैं। अब जैसे कोई ट्रेडमैन में सर्विस कर रहा है और वो क्लर्क के लिए या फिर जीडी के लिए रिमस्ट होना चाहता है, तो वो यहाँ पर यस करेगा कि वो रिमस्ट होना चाहता है, अपने ट्रेड को चेंज करना चाहता है। लेकिन आप सिविल से आ रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नो पे ही रहें, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी डिटेल को एक बार दोबारा से देख लेना है कि हमने जो भी डिटेल दी है वो पूरी ठीक है। फिर क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ये सेव पे क्लिक कर देंगे हम। सेव पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये बोला है आधार वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, प्लीज वेरीफाई फर्स्ट। आधार की जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग बता रहा है, उसको वेरीफाई करने को बोल रहा है ये। यहां से हमें सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद में पूरी डिटेल दिखा देगा आपके लिए और आपका जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण अपना आधार कार्ड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो सही डालना है। तो आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको क्या होगा दोस्तों, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्यों रॉन्ग बता रहा है। उसके बाद में दोस्तों कोई भी आपका जो है वो स्टेप नहीं बचता है, केवल इतना स्टेप बचेगा कि आपके लिए अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने होंगे, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपके लिए कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है और बस आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर मैं आपका डायरेक्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।